गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये देखो मेरा दोस्त कितना गंदा लग रहा है। फाइनली हम पहुंच गए और यहाँ लगा दिया हमने स्कूटी को पार्किंग में 150 रुपये। तो दोस्तों अपनी यात्रा स्टार्ट हो गई है, पर अभी सरप्राइज से मिला, धोखा से मिला। अभी भाई वैसे 22 किलोमीटर मतलब 12 घंटे में लगाए हैं। चढ़ाई तो हमने स्टार्ट कर दी, बट हमें एक अभी एक सरप्राइज मिला है कि 12,000 एक साइड जाने में लग रहे हैं। 12 घंटे भाई, 12 घंटे भाई शर्मा। और 5 बजे बंद कर देंगे, तो अगर हम 6 घंटे के चलते तो कल हमें फिर 6 घंटे चलने हैं ऊपर ही। हाँ उसके बाद वापस आने नीचे तो नहीं पाएंगे। मत सोचो भाई, हट भाई, अब तक खींचेंगे लंगड़ा। तू जहाँ तक जा रहा जा जा सक जाएंगे, वापस घूम लेंगे। कोई नहीं, बुलावा आए थे लेंगे। भाई लिटरली इतनी अच्छी उम्मीद से ऊपर यार थे, एक टूरिस्ट से इस गधे ने पूछ लिया कि एक्सक्यूज मी प्लीज आप से बताइए ऊपर जा रहे हो। जेन्युइन क्वेश्चन पूछा मैंने उनसे। हाँ बताइए कैसे पूछा तूने। एक सेकंड ना दोस्तों। हाँ जी सर, वो भैया जा रहे मतलब हम जा रहे, चढ़ रहे हैं, वो उतर रहे हैं। और एक और चीज, ये टाइम सब उतर रहे और ये हम टाइम ऊपर चढ़ रहे हैं। भाई एक कुत्ता भी दिख रहा ऊपर चढ़ने के लिए, भाई सारे उतरे जा रहे हैं। हाँ अब आप बताइए। तो हम चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। हमने 400 मीटर किया हुआ कवर, हमारी सांस फूलने लग गई। मेरी सांस नहीं फूली पहली बात, रुक जा बताऊंगा। तो एक हरियाणवी कपल थे, मैंने पूछा भैया जेन्युइन क्वेश्चन बताना, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अपनी हरियाणवी भी जो निकाली है उन्होंने, अपनी पूरी जितनी भाई उन्होंने पूरा दुख दिखा दिया, की थकान है ना वो निकाल दी पूरी यहाँ पे भैया। मतलब उन्हें 3-4 दिन हो चुके हैं, कह रहे कि कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ बेकार है, खाने पीने में भी नहीं है, चाय वाय भी नहीं है, रूम नहीं मिल रहे। 700-800 रुपये वो अगर मिल जाए रूम तो 700-800 रुपये ऐसे मिल ही नहीं रहे क्योंकि सब पैक है। ऐसे करके वो बेचारे हमारे सामने रो रहे हैं। तो हमें कह रहे भाई यहीं से मत्था टेक लो, मत जाओ 3-4 दिन ऊपर जाने में लग जाएंगे। अरे भोले बाबा हैं, भोले हम वो माफ़ कर देंगे। हाँ तब हम सोच रहे हैं कि हम घर चले जाएँ क्योंकि यार वो नानू भी आ रहा है, उसकी टांग में भी दिक्कत है, वो बेचारा चल नहीं पा रहा ऊपर है ना, उसको दर्द हो रहा है उसकी टांग में। देखो डंडा दिलाया उस बेचारे को। आप ये मत सोचना कि वो ऊपर खड़ा, हम वहीं थे, हम लोग नीचे आ गए, उसको वहीं बिठा रहे क्योंकि अब हम डिसीजन कर रहे हैं। कह रहा मैं नहीं जा पाऊंगा, देख लो आप देख सकते हो। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हमारे में लीडरशिप क्वालिटी है, हम ऐसे किसी को छोड़ नहीं सकते हैं ना। छोड़ो आप व्यू देखो, व्यू हाँ चलो छोड़ो, सारी हमारी टेंशन छोड़ो, आप व्यू देखो। अरे बोलो ऊपर वो बाहर देख रहे हो, उसके भी पीछे है, तो वहाँ तक हम कल तक पहुँचेंगे, उसके अगले दिन परसों तक। भाई विकास तू कैसे गिरते गिरता है भैया, कैसा है ऊपर? अब कितने दिन लगे आपको वैसे रफली? 2 दिन। ओ भाई साहब, मतलब बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं ऊपर। ये वाला ट्रैक करूंगा पर तब करूंगा जब बस में आएंगे, क्योंकि पैसा तो बजट बना रहेगा, हमारा बजट तो यहीं खराब हो गया ना पूरा। और 3-4 दिन सही में लगेंगे भाई, मैं बता रहा हूँ ये बहुत है। ये दिन में करेंगे हम, करेंगे जरूर। मैं समझ रहा हूँ ना कहाँ से ये रास्ता, यहाँ से आना है ये, इसके पीछे उसके पीछे तब वहाँ, और वहाँ भी नहीं है, उसके भी पीछे है, ये एक पहाड़ है, वो अलग पहाड़ है। हाँ ये मिला नहीं। और भाई मेरे को मेरे भाई की दिक्कत ज्यादा, इसके पापा ने बोला तेरी जिम्मेदारी है। चलो, चलो भाई। तेरे पापा ने बोला अपनी जिम्मेदारी में ले आ रहा है, आजा उतर, ओए ओए आजा उतर। यहाँ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं भाई, अगर ये उठ जाता टाइम से पता चल नहीं पाते। भाई पहुंच गया थे 5 बजे, तुमने कहा 5 बजे में तैयार मिला, नहा के झूठा तैयार तू हो गया। अबे झूठ कितना बोलता है, लैटरिंग कर रहा था, लैटरिंग भाई मैंने तो आज लैटरिंग करी भी नहीं ले। और बता चल इसे कर दे, पाड़ रहा था अंदर, लैटरिंग कर रहा था दम तो तैने फाड़े आज। कहां जाएगा तुम यार? नहीं रुद्र, कहां से रुद्र राज का ट्रैक करने जाएगा? कपड़े क्या ला रखा है साले, मांगे हुए कपड़े पहन के ट्रैक करने। मेरे कपड़े हैं भाई, मैं इनमें ट्रैक कर लूंगा, भले लेट के करूं पर ट्रैक करूंगा। तुम लोग जा नहीं रहे यार भाई, हम तो जा रहे, तेरे चक्कर में नहीं जा पा रहे हम, तेरे को पता है। तब वहाँ के तो हम रहे नहीं, जहाँ जाना था वहाँ के तो हम जा नहीं पा रहे, तो सोचा इधर ही वाटरफॉल में खादी फोटो ही खिंचा लेते हैं, थोड़ा सा कपड़ा भी मुँह भी धो लेंगे। अगर देख रहे हो, देख रहे हो अब लिया है एक और ब्रेक, और लिया इसलिए क्योंकि विकास को थोड़ी सी नींद आ रही थी या थोड़ा आलस बना रहा था, तब से वो मुंह धोने के लिए हमने लिया ब्रेक।
ये देखो क्या बढ़िया सी प्रॉपर्टी बना रखी है मैंने भी, मस्त। बट मूड तो थोड़ा सा खराब हो गया कि यार मैं सही में ट्रैक करने के लिए आया था, बट फाइनली कमला ले लिया। हालत देखो भाई, एक बार हालत देखो हमारी, लेबरों के बच्चे लग रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कल रात हम दीप प्रयाग पे स्टे कर रहे थे, तो भाई साहब इतनी जल्दी सो गए कि नींद का ऐसा नशा लग रखा था, ऐसे सोए हम बिस्तर में लेटते, जैसे खाना खा के बिस्तर में लेटते ही सीधा फ्लैट। अब मतलब दर्द तो कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं दर्द है ना, दर्द तो नहीं हो रहा, बट यार ट्रैक रह गया भाई, क्या बताओ भाई, दिमाग खराब हो चुका है। अभी फिलहाल देखो इस व्यू में है अभी हम, ये देखो ठंड भी लग रही है हल्की हल्की, वाओ। वहाँ पे है संगम, उधर जाएंगे अभी, नहाएंगे धोएंगे फिर वहाँ जाएंगे दर्शन करेंगे, फिर गंगा में नहाएंगे, ये अपने सारे पाप धो लेगा, इसने बहुत पाप करे हुए ज़िंदगी में, मैं तो एकदम पंडित आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन ये बहुत खराब है। तो ये अपने सारे पाप धोएगा फिर हम चलेंगे आगे की तरफ, और आज हम जाएंगे ऋषिकेश, और मे बी राफ्टिंग करें, फिर राफ्टिंग करके बाद सीधा दिल्ली निकल जाएंगे स्कूटी वाले को स्कूटी देके। तो ये फिलहाल अभी तक का प्लान है, लेट्स सी कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। अब हम निकल रहे हैं दीप प्रयाग की तरफ, वहाँ पे संगम में एक बार डुबकी लगा के तो अपने पाप धो लेंगे, इस भाई ने बहुत सारे पाप करे हुए तो एकदम धोने चलते हैं। ये हमने अपना बैग पैक कर दिया, मस्त अपनी स्कूटी वाले लाइन से लगा दिया है, ठीक है ये बुलेट, और ये देखो है लॉक रूम लॉक करके है इसके, छोड़ने का भी रहने ऐसे रहने, रूम चेक किया कह रहा रूम में क्या है, कुछ भी नहीं है ये पूरी बाइक भी गंदी हो चुकी है। अब यहाँ विकास बेचारा जा रहा है फिर से चेक करने के लिए, है ना, और आप निकलते हैं यहाँ से अपने आगे के सरफ ले, है ना। ओए बैग आगे टांगना ताकि आगे वेट लगेगा, और यहाँ से रगड़ा खिल गया ना। ओए नहीं नहीं चले जाएगा, सुन यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट नहीं नहीं राइट से जा, राइट से पत्थर पे जा। ओए ओए अरे यहाँ से जंप सीधा नीचे और नीचे ही, भागना नहीं है आराम से जाना है, भागना नहीं है आराम से जाना है। आराम से ब्रेक मार लिया, चल भाई क्या हो गया तेरे को, ये गिरेगा ये गिर गया ना दोस्तों, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या बोले, हमारे साथ एक लड़का आ रखा है वो बाबू सोना इतना कर रहा है कि बाबू सोना करते करते देखो कहाँ पहुंच गया, जमुना पार पहुंच चुका है वो बाबू सोना करते करते, वो देखो उसका बाबू सोना ही नहीं खत्म हो रहा है, और यहाँ देखो ये जोगी बाबा पता नहीं कहाँ से आ रखे भाई यार, मतलब एक से बढ़कर एक सारे खलीफा हमारे मत्थे चढ़े हुए, वो बेचारा देखो प्यार में कितना पागल, नदी में पत्थर फेंक रहे, वो देखो फिर उठा दे भगवान, एक और उठा दे अब नहीं उठा रहा भाई, क्या क्या हो गया इस जमाने को, इतने पागल हो गए बंदे प्यार में कि क्या बताए, वो कूद भी सकता है, मुझे पता नहीं क्या कर रहा है, वो पत्थरों के पीछे ही रह रहा है, कभी कभी मुंह दिखा रहा है पर। चल ठीक है नेक्स्ट पोज चलो बस पता नहीं, चलो आओ पंच स्नान कर लेंगे, आ जाओ, बहुत पाप कर लिया हमने दोस्तों, जाने का रास्ता वो सीढ़ियाँ बनी है, नेचुरल सीढ़ियाँ ये देखिए नेचुरल सीढ़ियाँ। हम लोग नहेंगे नहीं, फ्लो देख रहे हो कितना तेज है, ऐसे भाग रहा यार देखो, अब मेरे को पूजा करना, तुम्हारे पास होने दो, गंगा ओ पंडित जी मैं हूँ तुम हो सालो, तुम लोग पंडित हो ना, मैं हूँ पंडित, कह रहा मैं नहीं रहा, कैंसिल ओ मंगई वासी ओ यो 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 या मजा आ गया, जो तुम वो बहुत तेज है ये देख, जो नहा लेगा इसमें उसको मिलेंगे ₹1,00,000, जाओ कूदो कितना कह रहा है, देख देख आगे जाएगा।
लिटरली इनका फोटो शूट ही नहीं कम्प्लीट हो रहा, वो कभी यहाँ पोस्ट कभी यहाँ पोस्ट। अब इसलिए मैं हार मान के यहाँ मिट्टी से खेल लूँ, देखो ये देखो वो मज़ा आया दोस्तों आपको वीडियो देख के आया। अगर मैंने आपको थोड़ा सा भी पकाया है, अगर जेन्युइनली मैंने आपको पकाया है, तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर नहीं पकाया तो फिर कमेंट पे लिख दो नहीं पकाया, और अगर मज़ा आया तो लिख देना मज़ा आया।